सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग बायो में कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम को अच्छी तरह से समझेंगे और फिगर के माध्यम से समझेंगे और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पूरे डिटेल से समझेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको दो पार्ट में समझाया गया है, तो दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कोंड्रोसाइट पाए जाते हैं, मतलब कोंड्रोसाइट कहाँ पाया जाता है फ्रेंड्स। तो कम से कम आपको आंसर देने के लिए 5 सेकेंड मिलेंगे, तो आंसर देने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, कोंड्रोसाइट या कार्टिलेज उपास्थि, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, तो कार्टिलेज में पाया जाता है कोंड्रोसाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और कॉन्सेप्ट के साथ डिटेल के साथ आप समझते चलिए। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो फ्रेंड्स समझने की कोशिश, देखिए यहाँ से आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या जो होती है वहाँ पे 300 होती है लगभग। तो देखिए, जब छोटे बच्चे, जब नवजात शिशु जब बड़े हो जाते हैं, तो जो छोटी छोटी होती है हड्डियाँ, तो वहाँ पर जुड़ जाती है, तो जुड़ कर कितनी होती है, तो वयस्क में 206 हो जाती है। तो अगर वयस्क में पूछे तो 206 हड्डियाँ होती हैं, और नवजात शिशु में पूछे तो 300 हड्डियाँ। तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट के साथ समझ लीजिए। तो देखिए क्या पूछा है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या पूछा है, तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 300, तो ऑप्शन हमारा बी से ही हो जाएगा। बस अच्छे से समझते चलिए फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा देखिए, तभी सभी क्वेश्चन को डिटेल से आप जान पाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, मनुष्य में, देखिए मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मालूम है तो बताइए ज़रूर, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कितना क्वेश्चन आपका किए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको 3-4 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, जो मनुष्य के, देखिए यहाँ तक मनुष्य खोपड़ी में जो हड्डियाँ होती हैं टोटल 29 हड्डियाँ होती हैं। कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 29 हड्डियाँ होती हैं। अगर फेशियल में पूछेगा, अगर चेहरे में हड्डियाँ पूछेगा फ्रेंड, तो 14 हो जाएंगी। देखिए यहाँ से अलग अलग क्वेश्चन पूछता है, और कपाल में अगर पूछेगा तो वहाँ से 8 हड्डियाँ आपको मिल जाएंगी, 8 हड्डियाँ होती हैं कपाल में। और देखिए फ्रेंड्स, अगर कान में पूछे तो दोनों कान मिला के 6 हड्डियाँ होती हैं, एक कान में 3 हड्डियाँ होती हैं, तो दोनों कान में 6 हड्डियाँ। और देखिए, एक अलग हड्डी जो होती है वो खोपड़ी में मिलती है, हायड नामक, तो हायड अलग से, तो टोटल मिला के जोड़ेंगे तो टोटल मिला के 29 हड्डियाँ हो जाएंगी, जोड़ लीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, मनुष्य के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो 29 हड्डियाँ होती हैं, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। अब बस अच्छे से सबको समझ लीजिएगा, यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ से, एक वयस्क मनुष्य के कशेरुक दंड, मतलब जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, रीढ़ की हड्डियाँ में कितनी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स, जो रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डियाँ होती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, जो रीढ़ की हड्डियाँ यही होती है, तो रीढ़ की हड्डियाँ वही होती है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पे, अगर प्रारंभ में पूछेगा, अगर रीढ़ की हड्डियाँ अगर प्रारंभ में पूछेगा तो 33 हड्डियाँ होती हैं, और वयस्क में पूछेगा तो वहाँ पे 26 हड्डियाँ होती हैं। देखिए यहाँ से क्यों इतना अंतर हो जा रहा, तो जो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, जब छोटे लोग, छोटे बच्चे जब बढ़ते हैं, तो वहाँ पे छोटी छोटी जो हड्डियाँ कई जुट जाती हैं, तो मिला के 26 हो जाती है। अगर देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन मिलेंगे, अगर वयस्क पूछेगा तो 26 हड्डियाँ, अगर प्रारंभ में हड्डियों की संख्या पूछेगा रीढ़ की, तो 33 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से क्या पूछा गया आपको, तो देखिए वयस्क मनुष्य में रीढ़ की हड्डी तो कितनी होती है वयस्क में, 26 हड्डी, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा फ्रेंड।
बस फ्रेंड्स आप कॉन्सेप्ट के साथ फिगर से समझते चलिए। देखिए रीढ़ की हड्डी यही होती है, तो कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ तो इनेमल दंत वाल, तो ऑप्शन हमारा सी सी हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स यह कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, जो उस पर परत होती है उसको कैल्शियम फास्फेट कहते हैं, जिसको इनेमल के नाम से जानते हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओसिन नामक प्रोटीन किस में पाया जाता है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स ओसिन नामक प्रोटीन यह अस्थियों हड्डियों में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? तो बताइए फ्रेंड्स ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स नाखून काटते समय क्यों नहीं दर्द होता? देखिए नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने रहते हैं, जिसमें रक्त संचरण नहीं होता है, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, घुटने की हड्डी को किस नाम से जाना जाता है? अगर हमारा पहला वीडियो देखें तो मालूम होगा फ्रेंड्स, अगर नहीं देखें तो देख लीजिए सबको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बता दे रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए जो घुटने की हड्डी होती है इसको, इस हड्डी को पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए इस हड्डी को हम पटेला नाम से जानते हैं, तो घुटने की हड्डी को हम पटेला कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी से हो जाएगा, पटेला। और देखिए फ्रेंड्स इसमें पैर में दो हड्डियां और मिलती है, देखिए यहाँ पे दो हड्डियां दिख रही है आपको, एक क्या होती है फिबुला होती है और एक क्या होती है टीबिया होती है, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देख लीजिएगा इसमें दो हड्डियां होती है फिबुला और देखिए जो फाइलेंजेज होती है, तो अंगुलियों के जो हड्डियाँ होती हैं उसको हम फाइलेंज बोलते हैं, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फाइलेंजेज या पैर की अंगुली हो या हाथ की अंगुली, तो दोनों को फाइलेंज बोलते हैं, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स फाइलेंजेज। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मानव शरीर में 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं, देखिए यहाँ पे 9 मिट गया था तो 639, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा 639। और देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, अलना नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स अलना नामक हड्डी जो भुजा होता है वहाँ पे अलना नामक हड्डी पाई जाती है, फिगर रहता तो अभी बता देते फ्रेंड्स, जो भुजा जानते हैं भुजा किसको कहा जाता है, तो वहाँ पे अलना नामक हड्डी पाई जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, ह्यूमरस अस्थि हड्डी कहाँ पाई जाती है? देखिए फ्रेंड्स ये अक्सर एग्जाम में देखने को आपको मिल जाएगा, ह्यूमरस जो हड्डी होती है वो कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स जो ह्यूमरस हड्डी होती है, ह्यूमरस अस्थि जो होती है वो ऊपरी भुजा में, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऊपरी भुजा यही है, तो यहीं पे ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। देखिए इसके जो एक जो भुजा बताए थे इसके जो मिल रहा था, तो वहाँ पे जो भुजा में तो वहाँ पे अलना हड्डी मिल रही थी, तो फ्रेंड्स कन्फ्यूज मत होएगा, तो ऊपरी भुजा में जो होती है वह ह्यूमरस हड्डी पाई जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य में शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? देखिए अभी बताए थे फ्रेंड्स, अभी ऊपर बताए थे, पूरी अच्छी तरह से समझाएंगे, अगर आप वीडियो अच्छा से देख रहे हैं तो आंसर ज़रूर आपको पता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स
वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अस्थियों हड्डियों को मांसपेशियों से आपस में कौन जोड़ता है? तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, जहाँ हड्डियाँ और मांसपेशियाँ जहाँ जुड़ती हैं तो उसको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो देखिए, पहले फिगर में देखिए, देखिए यहाँ पे हड्डी हो गई और यहाँ पे मांसपेशियाँ। तो देखिए, यहाँ पे जो जुड़ रही हैं तो उसको हम टेंडन कहते हैं। तो देखिए, हड्डी और मांसपेशियाँ जहाँ जुड़ती हैं उसको हम टेंडन कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। देखिए, हड्डी और हड्डी जब जुड़ती है तो उसको हम लिगामेंट कहते हैं। देख लीजिए फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइएगा, दोनों को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। जब हड्डी हड्डी जुड़ती है तो उसको हम लिगामेंट कहते हैं, और जहाँ हड्डी और मांसपेशियाँ जुड़ती हैं उसको हम टेंडन कहते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कन्फ्यूज मत होइएगा, कॉन्सेप्ट के साथ आपको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मानव शरीर में तो जो दीर्घ हड्डी में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, दीर्घ अस्थि। और आगे देखिए फ्रेंड्स, और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, बुढ़ापा में मनुष्य की हड्डियाँ क्यों कमज़ोर हो जाती है? देखिए, यह इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो आप बताना ही बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बताने की कोशिश ज़रूर कीजिए आप लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, बुढ़ापा में मनुष्य की जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम की कमी से कमज़ोर हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा, कैल्शियम की कमी से।